मैं और जिया रेस करने जा रहे हैं। जिया मुझसे बोल रही थी कि रेस में जीत जाएगी, तो मैंने सोचा चलो हो जाए रेस, 3, 2, 1 भागो। साथ में दौड़ी और उसके बाद वापस से मैं आगे आ गई और झूठ झूठ बोल के बोल रहे नहीं जीता नहीं जीता। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी। अभी ना ये टक्कू ने टेंशन दे दिया यार, इसकी हरकतें ऐसी होती है ना कि नीचे आई हैं और नीचे एक बहुत बड़ा जर्मन शेफर्ड घूम रहा था, मतलब उसका मालिक उसे घुमा रहा था और उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। और वो जर्मन शेफर्ड शांत नहीं था, वो भी मतलब एग्रेसिव टाइप का लग रहा था, तो वो भी उछल उछल के आने लगा। अच्छा वो उसका मालिक थोड़ा हट्टा कट्टा था तो उसने अपने कुत्ते को संभाल लिया, वरना इसकी हरकत क्या ही बोले। हवा बहुत अच्छी चल रही है, दिन बहुत सुहाना है, सुबह सुबह उठ के हवा अच्छी अच्छी मिलती है ना तो मूड रिफ्रेश हो जाता है और फिर अच्छे से काम करने का और भी जज्बा आ जाता है। तो चलो आज क्या क्या होता है इंटरेस्टिंग मेरी दुनिया में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये खाने जा रहा हूँ, दरअसल ये मुझे ना बहुत पसंद था, मैंने गलती से ये वाला बुलवा लिया, इसमें एक मसाला वाला आता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ कटोरी में। वैसे ना कल से ऐसी गलतियाँ हो रही है ना कि जिसकी लिमिट नहीं है यार, कल से कुछ गिर जा रहा है, कुछ फूट जा रहा है, कुछ टूट जा रहा है। आज ये वाले कप में वो पी रहा यार। आज दरअसल जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। ये कहानी बहुत दिन से मेरे पास थी लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से बीच में मेरी हॉरर स्टोरीज चल नहीं रही थी। मैं सोच रहा था कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है तो मैं इसको तभी लेके आऊंगा जब मेरी हॉरर स्टोरीज चलना शुरू होगी। तो मेरी पहले भगवान की स्टोरीज ही चल रही थी इसलिए मैंने इस स्टोरी को होल्ड में रखा था, और अब जब मेरी हॉरर स्टोरीज वापस से चलना शुरू हो गई है तो आज मैं ये कमाल की कहानी लेकर आ गया हूँ। ठीक है, कल के वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई आप अपनी पलके नहीं झपकाते हो क्या। तो कुछ कुछ चीजें होती है जिसे आप कहानियों को या फिर अपने अपने किसी भी एक्ट को इंटेंस बना सकते हो आंखों के जरिए। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसको मैं यूज करता हूँ अपने वीडियोस के लिए, जिससे मैं आप लोगों का मनोरंजन और बेहतर बना सकूँ। तो खैर माइक वाइक सब रेडी हो गए, माइक कनेक्ट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, लेट हो गया। तो फाइनली जिया उतने सारे डॉगी लोगों को खाना खिला के आ गई। आज कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5 छः थे और वो एक सात सात खड़े थे, तो 60 डॉगी लोग थे, सबको खाना खिला दी। अभी कॉफी अदरक को भी देंगे ना थोड़ा। हाँ आज टाइम कैसे निकला ना, आज बहुत ही ज्यादा फास्ट निकला आज का दिन। हाँ। और एक कंफ्यूजन हो रहा है सबसे बड़ा कि होली कब है, कब है होली, कल जलने वाला सही है या परसों जलने वाला। मैंने अभी अपने घर पे बात किया तो मम्मी ने बताई कि भद्र नक्षत्र जिसे कहा जाता है उसमें जलने वाली होली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, और कल भद्र नक्षत्र है और कल बहुत सारे लोग होली जला रहे हैं। पता है बहुत ऐसा होता है कि मतलब बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन मना रहे हैं आजकल फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ ना, सिर्फ होली नहीं बहुत सारे फेस्टिवल साथ हो रहा है कि मतलब मुंबई में किसी और डेट पे मना रहे हैं। हाँ। और दूसरी जगह किसी और डेट पे उसके नहीं, ये तो हमेशा होता है ऐसा, लेकिन खास बोला जाता है कि जो कल का नक्षत्र पड़ रहा है और कल जो होली जल रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जो परसों होली जलेगी वो सही है। तो हमारे होम टाउन में तो परसों जल रही है, आपके यहाँ कब जल रही है, मतलब आज जब आप ब्लॉग देख रहे हैं तो आज के दिन जल रही है या फिर कल जलने वाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये छोटे से डॉगी डॉगी लोग यहाँ पे किसी ने छोड़ के चले गया है, एक ये और एक ये है और ये चार है, पता नहीं कौन छोड़ के चले गए। हम लोग अभी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मिक्स ब्रीड है, ये छोटे छोटे से बाबू लोग, छोटे छोटे से बाबू, छोटी छोटी से बाबू यहाँ से कहीं से मिले हैं, किसी ने यहाँ पे छोड़ के चले गया था जो कि बहुत गलत है। यहाँ पे ये यहाँ से मिले हैं, अभी अदरक यहीं घूम रहा है। बड़े वाले डरते हैं, ये अच्छा है, टक्कू बहुत डर रहा है। बड़े वाले नहीं डर रहे होते तो फिर उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता था, वो उठ उठ के भी भाग रहा है वहाँ पे। बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई थी, सब लोग इनको देखने आए थे, वो तो अच्छा हुआ किसी ने गद्दा ला के रख दिया, तो बेचारे लोग बैठे हुए हैं लड़के लोगों ने। और ये देखो ये टक्कू के पास आने की कोशिश कर रही है और हमारा सेठ जी एकदम डर रहा है। देखो जिया लेके आई है अभी हाथ में, लैब है, बिल्कुल लैब लैब। हाँ ये पूरा लैब्राडोर जैसे लग रही है और सब फीमेल है ना, चारों फीमेल और लैब है चारों। देखो यार इंडिमिक्स लग रही है, बाकी तीनों लैब लग रही है, छोटे छोटे से बेचारे यार। और टक्कू आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा है, फिर को समझ में नहीं आता दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये डरता नहीं होगा। सब चीज से डरता है, ये देखो
रात के 2 बजे ये ट्रैफिक थोड़ा अविश्वसनीय टाइप का नहीं लगता? अद्भुत अविश्वसनीय। और दुकान वाले फायदा उठाए, दुकान खोल दी अपनी उसने, पूरा जैम ट्रैफिक वहां तक। ऐसा तो नहीं है दोपहर के 2 बज गए हैं और कुछ ऐसा प्राकृतिक चमत्कार हुआ है कि उजाला निकला ही नहीं और दोपहर के 2 हो चुके हैं? हाँ, वो ऐसा तो नहीं हुआ है। देखो ना, नहीं यार चांद भी है, रात के ही 2 बजे होंगे। नहीं, रात के ही 2 बजे, लेकिन यहाँ से देख के माहौल कभी लगता नहीं। तुम सीरियस हो गई थी क्या? तुम सीरियस हो गई थी क्या? मैं ऐसा बोल रहा था तो नहीं, रात के ही 2 बज रहे, रात के ही 2 बज रहे बोल दिए। अरे तो ये भैया इसकी बात अलग है इस एरिया की। हाँ, एक बार मैं नायका हो गई थी ना शूट के लिए। हाँ। उस टाइम पे इतना ट्रैफिक था कि मतलब 3 घंटे तक वहाँ से गाड़ी ये तो ठीक है निकली नहीं थी। मंदिर है ना ये मंदिर, ध्यान से सुनो, भजन की आवाज आ रही है, ढोलक मंजीरा सब बज रहा है मंदिर में। वाह यार, अलग ही माहौल है। सेठ जी भी देखेंगे ना? हाँ, सेठ जी को भी पता होना चाहिए सब कुछ, क्या पंचायत चल रही है दुनिया में। देखिए सेठ जी, पता है रात में क्यों करते हैं यहाँ पे? मेरे को लगता है ना, जो जॉब वॉब करते होंगे, बाहर काम करते होंगे, वो लोग फ्री टाइम निकाल के रात में करते होंगे, तभी तो रात भर करते भजन, हर बार हर दिन रात भर। लेकिन तुम ऐसा डायलॉग वायलॉग बोल रही हो ना, तो इतना अच्छा फ्रेम बन रहा है, ऐसे ऐसे फिल्म विल्म का होता है ना फ्रेम लगता है वैसा, मतलब पीछे का प्रॉपर भरा भरा लाइटिंग वाइटिंग होती है, मटको मत ज्यादा ही भावनाओं में बह जाती हो तुम। तो अभी मैं और जिया रेस करने जा रहे हैं। जिया मुझसे बोल रही थी कि रेस में जीत जाएगी, तो मैंने सोचा चलो हो जाए रेस। हाँ। देखते हैं, ठीक है। टक्कू भी दौड़ेगा, टक्कू भी रेस में दौड़ेगा, लेकिन टक्कू कच्चा नींबू है। हाँ। अपन दोनों की रेस है। 3 2 1 भागो। मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं जीता हूँ। जहाँ तक की रेस हो, जहाँ तक की रेस हो वहीं तक की बात होती, ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं तक भी दौड़ जाओ। नहीं, ये मोड़ तक तुमने बोला था, मैं पहले जीती। मोड़ तक नहीं, लाइट तक बोला था। साथ में आए वहाँ तक जहाँ तक आना था। मोड़ तक नहीं, लाइट तक बोला था। मोड़ तक नहीं, लाइट तक। तो अच्छा मोड़ मत बोलो, तो अदरक से क्यों लड़ रहा है? इतना झूठ बोल रहा था। पहले मैं आगे आगे दौड़ रही थी, वीडियो में क्लियर दिख रहा है, उसके बाद थोड़े कुछ सेकंड के साथ में दौड़ी और उसके बाद वापस से मैं आगे आ गई और झूठ झूठ बोल के बोल रहे नहीं जीता। ऐसा चिल्लाने से नाचने से कोई नहीं जाता है। आप लोगों ने भी रेस देखे हो? हाँ, देखे हो। देखिए ना येलो वाली वहाँ पे, बता पहले मैं पहुंची हूँ, पहले मैं कौन पहुंचा? अगर आप लोग थोड़ा सा रिवर्स करके देखो, 10 सेकंड रिवर्स में सब समझ में जाएगा, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। झूठ क्यों बोल रहे? झूठ मत बोलो। झूठ क्यों बोलता है? तो आप वीडियो में देख के बताओ। इतना झूठ बोलता है, हमेशा चीटिंग करता है, हर चीज में बोलते नहीं नहीं नहीं। तो बात नहीं होता है, खड़े हो क्यों नाच रहे हो? मेरा बच्चा अंदर जाना चाह रहा है। नहीं देखो, आप बताओ, जल्दी बताओ। तो एक नया दिन निकल चुका है, रात खत्म हो चुकी है, सुबह सुबह का वक्त है, 8:30 बज रहे हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज होलिका का दिन है, होलिका दहन का दिन है, मुंबई में सेलिब्रेट किया जाने वाला है। तो खैर, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि टक्कू उठ गया है और मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ, अपने नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के यूनिक वीडियोज अब आप लोगों के सामने डेली लेके आऊंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि 30 डेज 30 ब्लॉग का चैलेंज या फिर अब ये रेगुलर ब्लॉगिंग आप लोगों को देखने मिलेगी, तो बता दूं रेगुलर डेली वीडियोस आप लोगों को इस चैनल में भी मिलेंगे। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और वहां पे भी जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे भी रेगुलरली एंटरटेनमेंट दे रहा हूं। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।